हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुको और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद रुको में। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार बैंगन की सब्ज़ी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसमें हमने ना प्याज का इस्तेमाल किया है और ना ही टमाटर का इस्तेमाल किया है, फिर भी ये सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो चलिए फटाफट से आज की इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मसालों को ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और आधा कप के करीब ड्राई कोकोनट सूखा नारियल लिया है और इसे इस तरह से हल्का सा रोस्ट कर लिया है। आधा कप के करीब मैंने यहाँ पर मूंगफली ली है और इसे भी, मूंगफली के दानों को भी मैंने रोस्ट किया है और छिलके निकाल लिए हैं। 6 मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ऐड की है और 2 हरी मिर्चें कट करके इसमें ऐड कर लिया है। 3 लौंग ऐड की है, 3 काली मिर्चें ऐड की है और एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा ऐड किया है। और आधा कप के करीब मैंने यहाँ पर हरा धनिया ऐड किया है चॉप किया हुआ और इसमें 4 से 5 टेबलस्पून मैंने पानी डालकर इस तरह से इसका थिक पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा ही पानी ऐड करके इसका पेस्ट बनाना है हमें। और इसमें अब मैं सूखे मसाले पाउडर ऐड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और नमक ऐड किया है 1 चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को ऐड करें और इसे मैंने चम्मच से मिक्स कर लिया है और इसे भी मैं एक बार ग्राइंड कर लूँगी ताकि मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें पानी भी ऐड किया है, 2 टेबल स्पून, और इसे मिक्स किया है अच्छे से और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसे बैंगन में फिल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 5 बैंगन लिए हैं और उसे इस तरह से कट कर लिया है ताकि इसमें मसाला जो है वो अच्छे से फिल हो जाए। अब मैं इसमें मसाला फिल कर लूँगी। मैं इस तरह हाथों से थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड कर लूँगी इस तरह से। यहाँ पर मैंने सभी बैंगनों में मसालों को अच्छे से फिल कर लिया है और थोड़ा सा जो मसाला है वो मैंने बचा कर रखा है ताकि हम इसे ग्रेवी में ऐड कर सके और ग्रेवी अच्छे से बन सके। इस तरह से इतना मसाला मैंने रख दिया है साइड में। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखा था और इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। अपने हिसाब से आप ऑयल को कम या ज़्यादा करें। सभी बैंगनों को मैं ऑयल में डाल दूंगी और इसे हमें चलाते हुए 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम को लो रखना है और इसे अच्छे से चलाना है। यहाँ पर मैं इस तरह से इसे फ्राई कर लूंगी। हमारे जो बैंगन हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका कलर जो है वो चेंज हो गया है। इस तरह से फ्राई करने से हमारे जो बैंगन हैं वो जल्दी से पक जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब मैं इसमें जो हमारा जो बचा हुआ मसाला था वो ऐड कर लूँगी और उसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे इन बैंगनों के साथ ताकि वो भी अच्छे से पक जाए और अपना अच्छा सा स्वाद दे सके बैंगन के साथ। यहाँ पर मैंने मसाले को इसमें ऐड कर लिया है और इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर 5 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे अच्छे से चलाते हुए और गैस की फ्लेम को लो रखना है।
5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, तेल छूटने लगा है हमारे जो मसाले है उसको। अब मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 3/4 ग्लास यानी पौन ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिला ले इसे और गैस की फ्लेम को हाई कर ले, और इसमें उबाल आते ही मैं गैस की फ्लेम को लो कर लूँगी और इसे मैं 10 मिनट के लिए पका लूँगी लो फ्लेम पर। दस मिनट बाद हमारा जो बैंगन मसाला है वो अच्छे से बनके तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया मिला लेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाता है। अगर आपको मसाला और थिक करना है तो आप 5 मिनट गैस को चलाए रखें। हमारा जो बैंगन मसाला है वो सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।